हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये पूरा व्लॉग क्रिएटिव फेस पेंटिंग पे है और ये क्रिएट करने से पहले मैंने कोई ऐसा थॉट नहीं रखा था, बट हाँ, इतना माइंड में था कि मैं रबर्स और मिरर से कुछ क्रिएटिव करूँगी। तो ये क्रिएट करने से पहले मैंने मेरे फेस पे पूरा डस्की स्किन मेकअप का एक बेस बनाया है, जो उसका लिंक मैंने पहले ही पूरा डिटेल वीडियो मैंने मेरी चैनल पे ऑलरेडी मेंशन किया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। देन आफ्टर मैंने मार्स की लिप पेंसिल आती है, उसे एक रैंडम एक क्रिएट किया है शेप। देन आफ्टर उसको मैंने फिल अप किया है वाइट कलर की, क्राइलॉन कलर की स्टिक आती है, उससे मैंने पूरा वो शेप वाइट कलर से कवर किया। देन आफ्टर मैंने मार्स की आई शेडो पैलेट से उतने पार्ट में जितना मेरा आईब्रोज आता है उतना पिंक और ब्लू कलर से मैंने बनाया है, और उसी मार्स की पैलेट से मैंने ऐसे ही कुछ अलग अलग नियॉन कलर ब्राइट कलर से वहाँ पे थोड़ा शेड्स बना दिए ऊपर वाइट कलर के ऊपर। एंड देन आफ्टर मैंने, मेरी नीस है जो ये रबर से डेली प्ले करती है, तो वहाँ से ही मुझे ये थॉट आया था ये पेंटिंग का और मेकअप का। तो फिर मैंने क्राइलॉन की जो स्टिकी आती है उसकी लिंक मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, उससे ही मैंने ये रबर मेरे फेस पे चिपकाए। और देन आफ्टर मैंने मीसो से ये राउंड मिरर्स ऑर्डर किए थे, वो मैंने वो राउंड रबर्स के अंदर लगा दिए, तो ये लुक और भी ब्यूटीफुल लगने लगा। देन आफ्टर मेरी मोस्ट फेवरेट इंग्लोट की आईलाइनर, ऑब्वियसली मेरी सबसे फेवरेट में से है और टू बी ऑनेस्ट वेरी कॉस्टली भी है, और उससे मैंने मेरी आईलाइनर और काजल बना दी। एंड देन आफ्टर डिलेंसी की लिपस्टिक है, उससे मैंने लिपस्टिक और ग्लोज लगा दिया, एंड ये पूरा लुक कुछ इस तरह से क्रिएट हुआ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा। आई नो इट्स अ वेरी यूनिक और मुझे बहुत ही पसंद है ये लुक। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर ऐसे ही मोर क्रिएटिव फैंटेसी बोल्ड हैलोवीन मेकअप्स के लिए। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेक करना और कमेंट करना मत भूलना। बाय, थैंक यू।